बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है अभी। जंगल के अंदर एंटर कर लिया हम लोगों ने। कि सामने पे हाथी खड़ा है, ये तो शायद पालतू लग रहा है मुझे। है टाइगर को स्पॉट करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी थोड़े बहुत हलचल हलचल हुई थी यहाँ पे। जंगली सूअर। तो हेलो एंड नमस्ते, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो पे। तो दोस्तों मैं आ रखा हूँ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जैसे कि आप जिन लोगों ने मेरी पहले की वीडियोस देखी हैं उन लोगों को पता होगा। तो आज है हमारा दूसरा दिन और दूसरा दिन होता है सफारी का दिन यहाँ पे। तो अभी सफारी के लिए हम लोग जा रहे हैं, सुबह के बज रहे हैं 6, हम लोग रेडी हो गए थे मतलब 5 बजे उठ गए थे, तो अभी निकलना है फटाफट से। 6 बजे की हमने राइड बुक करी है। यहाँ पे ना 2 राइड होती है, एक शायद 6 बजे से 9 बजे का टाइम होता है और एक होता है दिन में 4 बजे या 3 बजे तक। तो हमने मॉर्निंग वाला इसलिए चूज़ किया क्योंकि थोड़ा सा इस टाइम पे ना जानवर वगैरह दिखने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो अभी यही है, बाकी कुछ ऐसा लग रहे हैं हम अभी सो के उठ के, ठीक है। लेकिन तो अभी सब लोग बाहर हैं, सब लोग मतलब अपना लॉक वॉक कर रहे हैं रूम वगैरह, बाकी गाड़ी वाले भी आगे होंगे। तो अभी फटाफट से गाड़ी के पास चलते हैं, बाकी की बातें फिर हम अब गाड़ी से ही करेंगे। तो देखो एकदम सुबह का टाइम है, क्या मस्त हो रखा है अभी, शांत शांत सा। ए गाड़ी वाले भैया आए नहीं क्या अभी? चलो मैं तो यहाँ आगे वाले हूँ, इधर इधर मेरा आईडी दे दिया था मेरी आपने। तो यार हम लोग अपने मतलब रिजॉर्ट से निकल चुके हैं, बट थोड़ा अंधेरा है अभी ना, तो विजिबिलिटी थोड़ी कम है। ये चेहरे देखो, खुशी के चेहरे हमारे। तो अभी हम लोग ना वेरिफिकेशन के लिए रुके हैं, थोड़ा ना अभी उजाला होना शुरू हुआ है तो थोड़ी बहुत विजिबिलिटी वापस आ रही है, बाकी थोड़ी देर में पूरी आ जाएगी तो ढंग से दिखाऊंगा आप लोगों को। बाकी यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी है अभी, ये पीछे भी है जो हम लेते थे महंगी महंगी। जो हम लोगों ने यहाँ पे जोन जो सिलेक्ट किया है ना, वो बिजरानी किया है, बिजरानी किया है और झिरना भी है एक ना, वहाँ तो नहीं जाएंगे ना, नहीं हम बिजरानी में जाने वाले हैं। और बिजरानी का जो राइड है हमारी, ये शायद 3 घंटे के आसपास होगी, 1.5-2 घंटे। 3 घंटा बोला था उन्होंने टोटल, 2.5 घंटे, 2.5 से 3 घंटे। तो वेरिफिकेशन यहाँ पे डन हो गया है, अब गाड़ी निकलेगी यहाँ से। बाकी शायद ये गाइड भैया है जो हमें बताएंगे आगे बारे में। भाई लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, अभी जंगल के अंदर एंटर कर लिया हम लोगों ने। हाँ जी हाँ जी, तो मैं इसे रास्ता दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखो सामने पे बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा लग रहा है, काफ़ी आगे तक जा रहा है ऐसे करते हुए। टाइगर के ये है ना, ये पूरे ओके टाइगर का ही मोमेंट करता है ना जंगल में, बाकी जैसे एनिमल्स हैं, डियर्स हैं, मंकी, डिफरेंट टाइप के साउंड करते हैं। हाँ तो अलार्म कॉल बोलते हैं जंगल में। हाँ जंगल अभी शांत है, यहाँ पर निकल चुका है काफ़ी टाइम पहले, अर्ली मॉर्निंग रहा होगा, लेट नाइट रहा होगा। एशिया का लार्जेस्ट डियर भी होता है सांबर डियर। अच्छा ये वाला क्या क्या बोला नाम इसका, सांबर, सांबर SAMBER। मतलब अभी सांबर डियर हमें दिखा था, थोड़ा सा दूर था बट अच्छा लग रहा था काफ़ी। बाकी अभी जंगल में क्या क्या मिलेगा वो आगे चल के देखेंगे। बाकी जो जिप्सी की वाइब्स है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, एक तो बिल्कुल शांत चल रही है और बहुत मज़ा आ रहा है इसे बैठ के। सामने ये स्पॉटेड डियर खड़े हैं, कहाँ पे वो, अच्छा भी पूरे वो खड़े हैं अभी स्पॉटेड डियर, यहाँ पे झुंड है गाइस पूरा। तो गाइस अभी ना हमारे सामने हाथी आया है, और अभी मेरा कैमरा ऑन नहीं था इसलिए मैं अभी ये ना फ़ोन से शूट कर रहा हूँ तो ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, बट हाथी ना बहुत बड़ा और भयंकर सा लग रहा है दिखने में। ना जो एक्सपीरियंस आ रहा है ना यहाँ पे, जो मज़ा आ रहा है ना, वो एक अलग लेवल का है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ब्रेक रहेगा, लेडीज ग्रीन फिट आगे जंगल को फैसिलिटी।
तो अभी ना थोड़ा सा यहाँ पे स्टॉप लिया है, यहाँ पे रिफ्रेशमेंट वगैरह के लिए स्टॉप लेते हैं ये लोग, मतलब किसी को वॉशरूम वगैरह जाना हो तो बीच में ये स्पॉट है पूरा फॉरेस्ट वालों का। बाकी सामने पे हाथी खड़ा है, ये तो शायद पालतू लग रहा है मुझे, डोमेस्टिक ओके, बट ठीक है हाथी तो हाथी है, डोमेस्टिक और जंगली हमें तो देखेंगे उसको भी। सही लग रहा है यार ये। तो इन टोटल जो यहाँ पे जोन्स है ना वो 6 जोन है और हम हैं बिजरानी में। बिजरानी हमने इसलिए चूज़ किया क्योंकि इजीली मिल गया और काफ़ी अच्छा है सुनने में आया। तो ये फॉरेस्ट का रेस्ट हाउस है, मतलब रिजॉर्ट है काइंड ऑफ। तो यहाँ पे जो बुकिंग होती है वो ऑनलाइन रहती है और ये पूरा जंगल के अंदर है, पूरा फेंसिंग वगैरह लगा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे चाय कॉफ़ी वगैरह के लिए कैंटीन है छोटा सा, यहाँ पे आप लोग चाय वगैरह भी पी सकते हो। बाकी अब निकल चुके हैं हम आगे जंगल के लिए और मुझे लगता है आगे थोड़ा डेंस है जंगल, तो ज़्यादा जानवर यहाँ पे स्पॉट हो सकते हैं। वैसे दूर दूर दिख रहे हैं आसपास, पर ना कैमरे में इतना दिखेंगे नहीं, काफ़ी काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो सी यहाँ पे जंगल बहुत ज़्यादा डेंस है, अभी तो चले जा रहे हैं, अभी कुछ दिखा तो नहीं है यहाँ पे, बट वाइब्स काफ़ी आ रही है कि कुछ ना कुछ तो अच्छा दिखेगा। तो अभी हम लोग ना एक स्पॉट पे आए हैं जहाँ पे टाइगर मोस्टली आता है। देखो यहाँ पे बहुत सारी जिप्सी और एक ये भी आ रही है जिप्सी अभी यहाँ पे। तो यहाँ सामने पे एक ना पॉन्ड है जहाँ पे वो पानी पीने आता है, तो शायद यहाँ पे अभी हमें स्पॉट हो जाए, वो उसी का वेट कर रहे हैं अभी। वैसे तो बस काफ़ी देर से हम लोग अभी जंगल में घूम रहे हैं, टाइगर को स्पॉट करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी थोड़े बहुत हलचल हलचल हुई थी यहाँ पे, बट अभी तक स्पॉट हुआ नहीं है, होपफुली हो जाए तो अच्छी बात है। बाकी थोड़े बहुत डियर्स वगैरह हमें मिले, अभी बर्ड्स वगैरह देखने को मिली, थोड़े बहुत जानवर देखने को मिले। अभी देखते हैं, किस्मत में रहा तो ज़रूर टाइगर देखने को मिलेगा। जंगली सूअर, जंगली सूअर हरियाणा का भी ईगल है, ईगल सरपेंट ईगल है वो टॉप में बैठा। लोग को ना फर्स्ट चांस में यहाँ पे टाइगर दिख नहीं पाया, बट अभी हमें सेकंड चांस मिला है, होपफुली इस बार ही हम लोग को यहाँ पे टाइगर स्पॉट हो जाए। तो गाइज वो देखो सामने से टाइगर आ रहा है, बहुत ही भयंकर लग रहा है अभी अंदर से, ये पीछे वाले रास्ते से आ रहा है देखो सामने पे, और ये देखो बाहर आ रहा है इधर से, भयंकर बहुत ही बड़ा है और बहुत अच्छा सा एकदम अलग सा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा। फर्स्ट टाइम मैं टाइगर को इतने पास से देख रहा हूँ ऐसे घूमते हुए। तो गाइस फाइनली हमने टाइगर को स्पॉट कर लिया है और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा था वो, बट अब हमारा टाइम हो गया है यहाँ से बाहर जाने का, तो अब हम लोग जंगल से यहाँ से आउट जा रहे हैं। गाइस इस सियार जा रहे हैं सामने, ये बॉर्डर पर है लेकिन एक पीछे से आ रहा है बाघ। आउट आ गए अब हम लोग, और बाकी अब हम रिजॉर्ट ऑफिस जा रहे हैं, वहीं चल के बात करते हैं। उसकी राइड भी अच्छी थी, किसकी? जीप की। हाँ मतलब अलग सा एक्सपीरियंस था जब वो अंदर ले गया ना जंगल वंगल में, भयंकर था। ओके तो गाइज हम लोग अपने रिजॉर्ट में वापस आ चुके हैं, राइड लेके पूरी प्रॉपर, और नाश्ता भी कर लिया आके, नाश्ते के टाइम में पहुँच गए थे तो ये चीज़ अच्छी हो गई। बाकी अच्छा था एक्सपीरियंस, ओवरऑल बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। उन्होंने हमें अराउंड 3 घंटे की राइड दी है पूरी टोटल यहाँ तक रिजॉर्ट तक, रिजॉर्ट से ही लेके गए, रिजॉर्ट में ही छोड़ा, मतलब काफ़ी चीज़ें देखने को मिली, ऐसा नहीं कि नहीं मिली। बाकी सारी चीज़ें कैप्चर नहीं हो पाई कैमरे में क्योंकि काफ़ी दूर दूर थी इसलिए। तो ठीक है फिर इसी के साथ वाली वीडियो को मैं यहाँ पे करता हूँ एंड, और आप लोगों से मिलता हूँ अपनी दूसरी वीडियो पे। टिल देन टेक केयर।